और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए ए के मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। थैंक यू। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, राजनीति में आए दिन देखा जाता है कि एक नेता दूसरे दल को जो है अपना लेते हैं। दल बदल का ये जो सिलसिला है वो हालांकि अभी का नहीं है, सालों से, दशकों से चला आ रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ विचार हैं आपके और कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये दल बदल का जो सिलसिला चल रहा है, इस पर राजीव गांधी जी ने एक बार जब विधेयक कानून लाया था, ये वस्तुतः देखा जाए है तो बहुत खतरनाक, क्योंकि इतनी मेहनत से जनता के पैसे खर्च करके जनता एक सरकार को चुनती है और वहां जाने के बाद कुछ नेता अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चाहे उनको पोजीशन लेनी हो या सरकार को दबाव में लेना हो, वो दल बदल करके किसी और पार्टी में चले जाते थे। होता ये था कि पब्लिक का मैंडेट तो किसी और को रहता था, किसी और पार्टी को रहता था, सरकार किसी और की बन जाती थी। तो ये एक सबसे खतरनाक बात थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी इस पे पूर्ण रूप से जो है विराम नहीं लग पाएगा। मान लीजिए लेटेस्ट जो हो रहा है, मैं बोलता हूँ, मान लीजिए कि अगर कोई एक चुनी हुई सरकार है, उसमें से बहुत सारे लोगों ने जो है टोटली रिजाइन ही कर दिया, तब भी वो सरकार अल्पमत में आ जाती है या उतना मैंडेट नहीं रहता है जिसके लिए कि वो सरकार बना सके, जितनी सीट जरूरी है। तो इससे एक बहुत और सख्त कानून लाना है कि एक बार अगर आप किसी पार्टी से चुनाव जो है जीत जाते हैं तो एक कंपल्सन होना चाहिए कि अगले 5 सालों तक आप उसी पार्टी के जो है मेंबर बने रहेंगे। अदरवाइज होगा क्या, एक तो पब्लिक के साथ विश्वासघात, पब्लिक ने जो मैंडेट दिया है सरकार इनकी बने, सरकार बन किसी और की रही है। मैंडेट देने का मतलब यह है कि पब्लिक ने मैंडेट दिया है किसी मुद्दे पे कि हम ये सरकार इसलिए चुन रहे हैं कि ये सरकार आएगी तो हमारे इन मुद्दों का सलूशन होगा। सरकार किसी और की बन गई जो कि वो मुद्दों पे थी ही नहीं, ये बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। मैं मानता हूँ कि और स्ट्रिक्ट तरीके मिश्रा जी, वैसे क्या वजह मानते हैं आप जो इतनी फ्रिक्वेंटली जो है नेता जो है दल बदल लेते हैं और उन्हें कानून का भी कोई डर नहीं होता? नहीं, व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा। देखिए, कानून का डर इसलिए नहीं होता है, आप ये देखिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन तो जो है नेताओं को मिला हुआ है। एक बार आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपके ऊपर कितने भी केस क्यों न चल रहे हो, आपको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है बिना परमिशन के। तो जब इतना उनको टक्सडो एक लेयर प्रोटेक्शन की टोटल मिल जाती है तो उनको कानून का डर क्यों, उनको तो अमृत तो प्राप्त हो जाता है कानून से। लेकिन है ये वाकई में बहुत खतरनाक, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, टाइम की बर्बादी है, बर्बादी है जनता के पॉलिटिकल सेंटीमेंट, उनके मैंडेट की ये बर्बादी है। सर, कहाँ पर आपको लगता है कि कानून में बदलाव की जरूरत है और सख्त होने की ज्यादा जरूरत है कानून को? क्या कुछ बिंदु होने चाहिए जब कि कोई भी नेता ये करने से पहले 10 बार सोचे? नहीं, देखिए, इसमें केवल और केवल एक ही चीज होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में एक बार अगर आप किसी पार्टी के टिकट से आप चुनाव लड़ गए तो कमिंग 5 ईयर्स तक, यानी जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होता है, आप कुछ भी करिए, ये आपकी बाध्यता रहेगी कि आप उसी पार्टी के मेंबर गिने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कुछ, आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप कोई भी रीजन दिखा दीजिए, आप बोलिए कि हम इस पार्टी से नहीं रहना चाहते हैं। हाँ, अगर वो पार्टी आपको निष्कासित करना चाहे तब जो है आपका जो है वहां पे आपको उस दल से हटाया हुआ माना जाना चाहिए अनुशासनात्मक कार्यवाही में। इससे पूरे संसद का, पूरे देश का, पूरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जो डिसिप्लिन है, जो इकोसिस्टम है, वो एक मिनट में बर्बाद हो जाता सर, है। सर, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे जो अभी आप कह रहे हैं कि वाकई में ये जनता के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं खतरनाक होता है, किस तरह से है सर, ये आपसे थोड़ा हम समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए जो डेमोक्रेटिक सीलिंग है, मान लीजिए चुनाव के टाइम भाई जनता किसको चुनती है, मुद्दों को देख के चुनती है पार्टी को। जनता ने मान लीजिए महंगाई के मुद्दे पे एक्स पार्टी को जो है मैंडेट दिया कि आप सरकार बनाइए और उस पार्टी ने बोला था कि हम वहां जा करके महंगाई को कम करेंगे। यहाँ सरकार बनी और 6 महीने के बाद आधे लोग टूट करके वाई पार्टी के साथ चले गए जिनका महंगाई के ऊपर कोई कमिटमेंट ही नहीं है। तो यानी जनता तो ये चाहती है महंगाई कम हो, लेकिन सरकार एक ऐसी आइडियोलॉजी की आ जाती है जिसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, यानी जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ, धोखा हुआ। पहला ये डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट का लॉस होता है, दिस इज वन थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये देखिए इलेक्शन बार बार करवाना होता है, पार्लियामेंट आपकी बाधित रहती है, विधानसभा बाधित रहती है, पैसों का और उसके साथ साथ टाइम का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक सबसे
बड़ा नुकसान होता है अगर सेंटर में ये चीजें हों जी। तो वो ये होता है कि जितनी ऐसी खबरें आती हैं कि सरकार भाई जो है अल्पमत में आ गई है, अब सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बदनामी हमारे देश की होती है अस्थिरता को लेके। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टर वगैरह उनका परसेप्शन ये बनता है कि वहां तो भाई सरकार है ही नहीं, स्टेबल है ही नहीं, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें। और रक्षा के हिसाब से भी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से भी देखिए होता क्या है, अगर ये कानून स्थित ना हो तो होगा क्या। मान लीजिए बाहर के किसी देश में जो हमारा दुश्मन देश है वो भी तो सरकार गिराने की इस तरीके से कोशिश कर सकता है, और वो सरकार गिरा करके अपने फेवर वाली सरकार ला सकता है कुछ अगर ट्रेटर बैठे हो जी। तो ये हर मामले से नुकसानदायक है, और इस पे एक ही प्रोविजन होना चाहिए कि एक बार जी अगर आप जिस पार्टी से चुन लिए गए तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास पार्टी बदलने का, जब तक कि वो पार्टी खुद आपको बहिष्कृत न करे, निकाले ना जी। चलिए एके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम बात